लोगों का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल न्यू ब्लॉग के साथ मिश्रा फैंस क्लब में। और अभी मैं लगातार आप लोगों को मिथिलांचल की पावन धरती का दर्शन कराने जा रहा हूँ। और उन्हीं में से एक फेमस जगह मैं अभी आया हूँ, उच्चेट, जो आपका मधुबनी जिला से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है और बेनीपट्टी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे माँ दुर्गा स्थान उच्चेट का मैं आप लोगों को दर्शन कराने जा रहा हूँ अपने YouTube चैनल के द्वारा। तो आइए माँ दुर्गा का आप लोग दर्शन कराते हैं। और एक ये सिद्धि पीठ है और माता को छिन्नमस्तिके के रूप में भी यहाँ जाना जाता है। तो चलिए दिखाते हैं मिथिला दर्शन में एक और वीडियो आप लोगों को माँ उच्चेट का। और अभी मैं मंदिर के परिसर में अंदर घुस रहा हूँ। तो आइए और दर्शन करते हैं उच्चेट दुर्गा स्थान माँ भगवती का। और बहुत ही रहस्यमय कहानी के साथ ये जगह जुड़ा हुआ है। जितने भी संत मुनि थे उनकी यहाँ आकृति बनी हुई है। लोमेश ऋषि, श्वेत केतु, अष्टावक, और ये सारे मुनियों का आपका त्रेता युग द्वापर में आपका वर्णन किया गया है रामायण में। तो चलिए दर्शन करते भगवती स्थान उच्चेट में माता रानी का। तो लगातार अपने YouTube चैनल के द्वारा आप लोगों को मिथिला दर्शन करा रहा हूँ। तो पहुँच गए हैं उच्चेट दुर्गा स्थान दरबार बेनीपट्टी। और अब मंदिर के परिसर में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। मधुबनी स्टेशन उतरिए, मधुबनी स्टेशन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में आपका बेनीपट्टी से 4 किलोमीटर की दूरी में उच्चेट भगवती स्थान है। तो आइए यहाँ पे आप लोग चप्पल अपना खोल सकते हैं, प्रसाद लीजिए। तो मैंने पहले ही पूजा पाठ कर लिया है। यहाँ प्रसाद लीजिए, जल लीजिए, लोटा लीजिए, फूल लीजिए और चलिए दर्शन करते हैं भगवती स्थान उच्चेट सिद्धिपीठ। यहाँ से फूल वूल ये सब ले सकते हैं। और यहीं पे माँ दुर्गा छिन्नमस्तिके, यहाँ पे माता का पूरा भाग दिखाया नहीं जाता है, इसलिए इस ये सिद्धिपीठ जगह मैं आप दर्शन करा रहा हूँ। तो बहुत सारा रहस्य है माँ काली का। और विद्वान कालिदास जी का और इस जगह का वर्णन त्रेता युग में भी किया गया है, जब श्री रामचंद्र जी जनकपुर जा रहे थे तो उच्चेट होके ही आए थे। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी का चरण स्पर्श पड़ा हुआ है और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं हर साल। और नवरात्रा में बहुत ही अधिक भीड़ होती है, देख सकते हैं। लगातार पूजा, अखंड कीर्तन, माता का विश्वास। और कहा जाता है कि जो यहाँ दिल से मांगा जाता है माँ उसे पूरा करती है। तो आइए दर्शन कराते हैं
माँ भगवती उच्चेट बेनीपट्टी में साक्षात माता रानी का दर्शन कराने जा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को चुका हूँ और देख सकते हैं कितना भीड़ है, तो थोड़ा सा रुकना होगा माता रानी का दर्शन करने के लिए आप लोगों को। दर्शन कीजिए उच्चेट में माँ भगवती का है। तो आप लोगों का निम्न निवेदन है, आइए मिथिला दर्शन में और माँ उच्चेट में माँ दुर्गा का दर्शन करें। देख सकते हैं लग और आइए उच्चेट में दर्शन कराते हैं पूरा मंदिर परिसर का आप लोगों को। देख सकते हैं और ये शिव मंदिर, महादेव मंदिर। और ये माँ काली का सिद्ध पीठ है और यहाँ पे यहीं पे ही माँ काली ने महान कवि कालिदास को वरदान दिया था, तो बहुत सारे रहस्य के साथ जुड़ा हुआ है ये स्थल उच्चेट भगवती स्थान बेनीपट्टी जिला मधुबनी। और ये वो सरोवर है और ये सरोवर के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। ये मैया का गबर वाला पोखर है जिससे लोग यहाँ से जल उठाते हैं और माँ काली को यहाँ जल चढ़ाते हैं और इसी के मंदिर से ही पाँच मिनट की दूरी पे ही वो तालाब का वर्णन किया गया है वेद पुराण में, जिस तालाब को कालिदास जी ने रात में पार किया था और माता को संध्या आरती दिया था यहाँ पे। तो बहुत सारी विशेषता और वर्णनों के साथ ये रहस्यमय जगह और सिद्ध पीठ। ये पूरा मंदिर परिसर आप लोग घुमाते हैं। और नवरात्रा में यहाँ काफी भीड़ होती है। और सिर नहीं होने के कारण ही यहाँ पे माँ को माँ छिन्नमस्तिके के रूप में भी जाना जाता है और बहुत सारी मान्यता के साथ ये मंदिर जुड़ा हुआ है। और माता के मंदिर के पास ही एक शमशान है जहाँ आज भी तंत्र साधना की जाती है, तो चलिए देखते हैं कहाँ है वो शमशान जहाँ पे तंत्र साधना की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से मालूम चला है कि बगल में ही वो तालाब है जिस तालाब को कालिदास ने रात में पार किया था और उसी तालाब के बगल में है आपका शमशान घाट। तो चलिए देखते हैं और सच पूछो तो यहाँ आकर दिल मन भाव विवर हुआ। और यहाँ जो भी आता है और दिल से मनोकामना मांगता है तो वो मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है।
और ये वही संस्कृत पाठशाला है जो अब विद्यापति कालिदास कॉलेज बन चुका है। और ये वही नहर है जिस नहर को कालिदास ने रात्रि में संध्या के समय में पार किया था और माता को संध्या आरती देने के लिए भयंकर नदी को पार किया था। और चलिए दिखाते हैं, वो शमशान घाट कुछ ही दूर पे है। ये वही संस्कृत पाठशाला है जहाँ पर कालिदास जी अपनी धर्म पत्नी से अपनी विदुषी पत्नी से विचोत्तमा से तिरस्कृत होकर माँ भगवती के शरण में उच्चेट आ गए थे। तो ये उच्चेटी स्थान में मैं अभी आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ लगातार। और यहाँ माँ भगवती के शरण में उच्चेट आए और पाठशाला में यहीं पे छात्रों के लिए खाना बनाने का कार्य करते थे। चाची ने हमें बताया कि कैसे शमशान घाट जाना है और चलिए चलते हैं। अब आ ही गया हूँ जब उच्चेट, तो एक एक चीज का मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जम के सब्सक्राइब कीजिए और अपना मिथिलांचल ऐसे ही फेमस नहीं है, बहुत सारे रहस्य के साथ यहाँ पे आपको मिथिलांचल में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग हर चीज का जिक्र किया गया है, चाहे वो कोई स्थान हो या जगह हो। तो चलिए दुर्गम रास्ता से होते हुए चलते हैं शमशान घाट की ओर। और जय माँ काली, जय माँ छिन्नमस्तिके। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मिथिलांचल में आकर उच्चेट में माँ दुर्गा का दर्शन करने का। और अभी भी हम लोग शमशान घाट की ओर ही जा रहे हैं। और देखा जाए, आखिरकार आ ही गए। आज भी लोग यहाँ पे नवरात्रा में तंत्र का साधना करते हैं। और यही वो शमशान घाट है। इन ग्रामीण औरत के द्वारा जानकारी मिली कि आगे महान कवि विद्वान कालिदास जी का जगह है। क्या वो जगह है, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। तो चलिए आइए दिखाते हैं क्या है। तो आप देख रहे हैं मिश्रा फैंस क्लब माय यूट्यूब चैनल, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार मैं अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को मिथिला दर्शन करा रहा हूँ। और लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग यहाँ आइए मिथिला दर्शन में, खासकर उच्चेट भगवती स्थान। तो आइए देखिए, तो जम के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे इतिहास में इस जगह के वर्णन के बारे भी पता करता हूँ। तो जैसा मैंने गूगल के द्वारा देखा था, तो वही चित्रों का वर्णन किया गया है इस जगह पे भी। मूर्ख कालिदास से बड़ा कोई मूर्ख नहीं था, और आज पूरे इतिहास में
विद्वान कवि कालिदास से बड़ा कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं आइए किन्हीं से जानते हैं इस जगह का क्या वर्णन है। और देख सकते हैं वो नदी भी मैंने आपको दिखाया पहले। और ये कालिदास जी का वर्णन चित्रों के द्वारा शिल्प के द्वारा किया गया है। इस जगह पे आप देख रहे हैं कालिदास जिस पेड़ पे बैठे हैं वही पेड़ को काट रहे हैं। और इसी जगह पे माँ काली के आशीर्वाद से आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह वर्णन किया गया है महान कवि विख्यात कालिदास जी का। तो कहानी बहुत सारी है और ये वही कालिदास जी है जिनके द्वारा शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत की रचना की है। और आज भी इनके अवशेष यहाँ उच्चैठ में मौजूद है। तो आइए किन्हीं के द्वारा इस जगह के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। मंदिर दिखाते हैं। जय माँ काली, जय माँ चिरमस्ती की, जय माँ जगत जननी। इस जगह को कालिदास डी कहा जाता है। तो थोड़ा सा बताइएगा मतलब इस जगह यहाँ ये क्यों फेमस है? कालिदास जी का यहाँ कोई क्या तपस्या किए थे क्या? नहीं नहीं, वो मूर्ख थे। वो तो हम जान रहे हैं। तो यहीं का उसका डेरा था। वो यहीं पे का स्कूल में पढ़ा हुआ था। वो ये वही संस्कृत विद्यालय है जिसमें कवि कालिदास जी वहाँ पर लिखा हुआ खाना बनाते थे। वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है चूल्हा वाला। तो चलिए ग्रामीणों के द्वारा मालूम चला। तो ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, मेघदूत, ऋतु संधारम, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान, शकुंतला, विक्रमा वर्षीय, मली विंकनी मित्रम। तो ये कालिदास डी है। तो ये वही संस्कृत पाठशाला है जहाँ पे कालिदास जी पाठशाला के बच्चों के लिए खाना बनाया करते थे। तो देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए ये कालिदास डी जगह है। और लोगों के द्वारा यहाँ पे महान कवि कालिदास जी की मूर्ति बनाई गई है। कालिदास डी के जगह से यहाँ से निकला जाए और पुनः हम लोग चलते हैं उच्चैठ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ छिन्नमस्तिके के दरबार में। और बहुत ही सुखद अनुभव यहाँ आकर। और मात्र मंदिर से ये कालिदास जी से जगह पे आने के लिए आपको 5 से 10 मिनट मिनिमम लगेगा। ऐसे आप ये रोड से भी आप आ सकती, ये मेन रोड है, पर यही मेन रोड आपका उच्चैठ स्थान जाता है। पर हम लोग शॉर्टकट होते हुए कालिदाडी जगह आए हैं। तो चलिए चलते हैं फिर मंदिर परिसर में वही रास्ते से। तो मंदिर परिसर से निकल चुके हैं कालिदास डी जगह से और यही शमशान घाट होते हुए रास्ता जाता है माँ उच्चैठ माँ काली के दरबार पे। गलती माफ़ करें माता रानी माँ काली, जय माँ छिन्नमस्तिके। तो चलिए अब मंदिर पे चलते हैं पुनः। ये वही तरह है, नदी है जिस नदी को
महान कवि कालिदास के गुरु जी ने भयंकर बाढ़ आने के कारण कहा कि ए कालिदास, तुम जाओ माता को संध्या आरती दो। तो कालिदास भयंकर नदी को शाम में पार करने के लिए निकल पड़े, बट गुरुजी ने कहा कि हे कालिदास, तुम माता को संध्या आरती दोगे तो अपनी वहाँ एक निशानी दे के आना। तो कालिदास जी किसी तरह भारी बरसात में नदी को पार किया और मंदिर गए, माता को संध्या आरती दिया। तो कालिदास जी को कुछ ने सूझा तो वहीं पे उसी दिया में जो कालिक थी, उसी कालिक से माँ कालिक को के चेहरे पे काला कर दिया। तो माँ काली देखी और बोले ए कालिदास, ये तूने क्या किया। तो कालिदास जी ने अपनी पूरा व्याख्या माता रानी को बताया, माँ काली को। तो माँ काली ने कहा, आज जिस किताब को तुम पढ़ोगे, यानी जिस किताब को तुम छू देगे, वो किताब तुम्हें स्मरण हो जाएगा। और इस तरह मूर्ख कालिदास महाविद्वान कालिदास बने। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर। तो मैंने आप लोगों को कालिदास डी वो तालाब भी दिखाया जिस तालाब को कालिदास जी ने पार किया था। और वापस अब मैं उच्च माँ भगवती के दरबार जा रहा हूँ। तो हम लोग मंदिर के प्रवेश द्वार पर आ चुके हैं और इस जगह पे बलि प्रदान भी किया जाता है। मन्नत पूरा होने पे लोक मुंडन जनेऊ सारे कार्यक्रम यहाँ होते हैं। और देख सकते हैं, तो चलिए मंदिर का और दर्शन आप लोगों को कराते हैं और देख सकते हैं यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है। तो ये कार्यक्रम देख सकते हैं यहाँ उच्चेट में शादी समारोह। तो चलिए एक एक मंदिर का दर्शन कराते हैं। जय माता रानी माँ, जय 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 गुरु, जय माँ, जय हो जय हो। तो सारे मंदिर का दर्शन कराता हूँ। उच्चेट में दुर्गा स्थान, महादेव जय, गुरुदेव जय, बावन बाबू मोह माया गोरिया विसारा पर बाबू महादेव जय, गणेश जय हो, जय गुरुदेव जय जय। जय जय महादेव, जय गुरुदेव, जय बावन बाबू मोह माया, जय 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 बाबा पशुपतिनाथ, जय हो महादेव। तो देख सकते हैं। और एक मान जी से मैंने पूछा यहाँ कि, तो उन्होंने कहा यहाँ पे टोटल हम लोग 30 परिवार रहते हैं। तो ये सरोवर, जय गुरुदेव जय हो। और हमेशा यहाँ पे जब भी आए, चाहे नवरात्रा में आए या कभी भी आए, कहीं जब आए तब आप यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी। देख सकते हैं हर वो शुभ मुहूर्त शुभ काम, कहा जाता है कि माता रानी के दरबार से ही शुरू होती है। यज्ञ मंडप, विवाह मंडप देख सकते हैं, एक दंपत्य नया जीवन की शुरुआत करते हुए। और उच्चेट भगवती स्थान में इन्होंने शादी किया, इन्हें लाख लाख बधाई।
जाए तो आरती का एक दृश्य दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है। जय भवानी मैया, भवानी मैया के जय, जननी जगदम्बा के जय, हर हर महादेव। मंत्र के पहले जल्दी तो माता का श्रृंगार किया गया और देखिए क्या बड़े श्रृंगार माता का श्रृंगार। तो माता का श्रृंगार होने के बाद देख सकते हैं कितना भीड़। तो चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय बिहार। तो जम के लाइक शेयर करें। उच्चैठ भगवती स्थान, बेनीपट्टी, जिला मधुबनी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।